एवरीवन, वी वर डिस्कसिंग अबाउट टाइप्स ऑफ एनर्जी। इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड मैकेनिकल एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल मीन्स विच कैनॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, कि जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हो। इट डज़ नॉट क्रिएट पोल्यूशन एंड इट इज़ एनवायरमेंट फ्रेंडली, कि जो विंड एनर्जी होती है उससे कोई भी पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता और एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, कि इससे एनवायरमेंट के अंदर भी कोई नुकसान नहीं होता। विंड इज़ कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय द विंड टर्बाइंस। जो विंड होती है वो एनर्जी में कन्वर्ट कैसे किससे होती है? विंड टर्बाइन से। दीज आर द विंड टर्बाइंस, कि जब हवा इन टर्बाइंस के ऊपर आती है तो क्या होती है, टर्बाइन स्पिन करते हैं, जिससे जो एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हेन द विंड टर्बाइन स्पिन दे कन्वर्ट विंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि जब विंड टर्बाइन स्पिन करते हैं तो वो जो विंड एनर्जी होती है, जो विंड से जो वो स्पिन कर रहे हैं उससे जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर जाती है। विंड टर्बाइंस वर्क इन अ ग्रुप इन विंड फार्म्स, कि जो विंड टर्बाइंस होते हैं वो ग्रुप में वर्क करते हैं, जिनको हम बोलते हैं विंड फार्म्स। सो दीज आर द एग्जांपल, विंड मिल्स इन अ विंड फार्म। तो क्या होता है कि एक जो अगर विंड मिल होगी तो उससे क्या आएगा, बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसे क्या बहुत से विंड मिल्स होते हैं जो मिलके एक विंड फार्म बनाते हैं, तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी कन्वर्ट होती है विंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब नेम से क्लियर हो रहा है, हाइड्रो इज रिलेटेड टू वाटर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो सबसे ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। वी हैव बीन यूजिंग दिस एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इस एनर्जी को भी हम क्यों यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। डैम्स आर सेटअप टू कलेक्ट द रनिंग वाटर। तो जो रनिंग वाटर होता है उसको कलेक्ट करते हैं किस में, डैम्स में। तो जो डैम्स के अंदर वाटर होगा उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ अलाउड टू फ्लो थ्रू टनल्स टू कन्वर्ट इट इंटू इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बाद उस वाटर को टनल्स के थ्रू फ्लो कराया जाता है, जिससे वो टर्बाइंस के ऊपर गिरता है और वो टर्बाइंस रोटेट करते हैं, जैसे विंड मिल्स रोटेट करते हैं, स्पिन करते हैं, ऐसे ही जो यहाँ नीचे टर्बाइंस लगे होते हैं, तो जैसे ही वो वाटर टर्बाइंस के ऊपर गिरता है तो वो टर्बाइंस मूव करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज़ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी क्या होती है, वी आर एबल टू सी थिंग्स बिकॉज ऑफ लाइट एनर्जी, कि हम जितनी भी चीज़ें देख पाते हैं वो किसकी वजह से देख पाते हैं, लाइट एनर्जी की वजह से। सन गिव्स अस लाइट एनर्जी, जो सन होता है वो हमें लाइट एनर्जी प्रोवाइड करता है। बट बिसाइड द सन वी यूज कैंडल, ट्यूबलाइट, बल्ब एट्सेट्रा टू सी थिंग्स। तो जो कैंडल, बल्ब, कैंडल्स, ये क्या हो गए, सोर्सेज ऑफ लाइट एनर्जी। नेक्स्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज हीट एनर्जी। हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम सन। तो हीट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें कहाँ से मिलती है, सन, एंड ऑल्सो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, केरोसिन एंड पेट्रोल। और कहाँ से मिलती है, जब आप कोयल, पेट्रोलियम और केरोसिन को बर्न करते हो तो वहाँ से भी क्या प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी। वी यूज हीट एनर्जी टू वार्म आवर होम्स, कुक फूड एंड फॉर अदर पर्पजेज। तो हीट एनर्जी कहाँ यूज़ होती है, हमारे घरों को वार्म रखने के लिए, कुकिंग में और अदर पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट इज साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या होता है, व्हेन द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस, दे प्रोड्यूस साउंड। कि जब वाइब्रेशंस होती हैं किसी ऑब्जेक्ट, जैसे हमारी आवाज़ आ रही है, तो वो कहाँ से आ रही है, जो हमारे वोकल कॉर्ड होता है उसके अंदर क्या होती है, वाइब्रेशंस होती हैं। तो जब वो वाइब्रेशन ट्रेवल करती हैं, अब मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और गैस भी, तो वो प्रोड्यूस होता है साउंड। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूजिक सिस्टम्स आर एग्जांपल ऑफ साउंड एनर्जी। तो जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर क्या होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, जिससे क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी का जो लॉ होता है वो क्या कहते हैं, एनर्जी चेंजेस इट्स फॉर्म, कि जो एनर्जी है वो अपनी फॉर्म चेंज करती है, कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर रही है। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो वाटर स्टोर होता है बिहाइंड द डैम, तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ही जो वाटर फॉल करता है हाइट से, तो जो एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी में, कि जैसे ही वाटर फॉल करना स्टार्ट किया उसके अंदर क्या आ गई, मूवमेंट, तो पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर गए। सो इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, कि एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी स्टोर्ड, लेकिन हम इसको स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोर्ड केमिकल एनर्जी। जो सेल है वो किसका एग्जाम्पल है, केमिकल एनर्जी उसके अंदर हमने स्टोर्ड की है। अ सेल मेक्स अ टॉय कार मूव, सेल से टॉय कार मूव करती है। इट कैन ऑल्सो मेक अ क्लॉक और वॉच शो अस टाइम, और ये क्लॉक और वॉच के अंदर भी जो सेल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं ताकि हम टाइम को प्रॉपरली देख पाएँ। सो टुडेज होमवर्क इज़ यू हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।